हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो बिहार पॉलिटेक्निक 2020 परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है, तो आंसर बता दो फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण का, ठीक है। आगे, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसका मूल तत्व जो होता है फ्रेंड्स कार्बन है, ठीक है। आगे, रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है, रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है, आंसर हो जाएगा जीवाश्म की आयु का, ठीक है, जीवाश्म की आयु का। आगे, बैकलाइट का औद्योगिक उत्पादन किनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है, किनके बीच जो है फ्रेंड्स रासायनिक प्रतिक्रिया कराया जाए ताकि बैकलाइट का औद्योगिक उत्पादन हो सके, आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर जो है फ्रेंड्स फिनॉल और फॉर्मलडिहाइड के बीच, ठीक है। आगे, भूरा कोयला के नाम से कौन सा कोयला जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से कौन सा कोयला जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लिग्नाइट जाना जाता है, ठीक है, लिग्नाइट। आगे चलते हम लोग, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जे एच वांट हॉफ को दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हम लोग, क्या शुष्क धुलाई में काम आता है फ्रेंड्स, क्या जो है कौन सा चीज शुष्क धुलाई के काम में आता है, तो आंसर हो जाएगा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। आगे चलते हम लोग, डायनामाइट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, डायनामाइट बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका नाइट्रोग्लिसरीन का, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का। आगे चलते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चैडविक ने, ठीक है, चैडविक। आगे चलते हैं हम लोग, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है किससे, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूरेनियम डेंटिंग से, ठीक है, यूरेनियम डेंटिंग से। आगे चलते हैं हम लोग, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, किस किरणों में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, किस किरणों में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, ठीक है, बताइएगा किस किरणों में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा किरणों में, ठीक है। आगे, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी, रेडियो सक्रियता की खोज सबसे पहले कौन किए थे, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हेनरी बेकुरेल ने, ठीक है, हेनरी बेकुरेल। आगे चलते हम लोग, कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है, कौन जो है सामान्य ताप पर द्रव होता है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पारा, ठीक है, क्या होगा आंसर पारा। फ्रेंड्स ये वीवीआई प्रश्न है, ये वीवीआई है, ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा इसको। आगे, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है, कौन सा प्लास्टिक प्राप्त होता है फ्रेंड्स एथिलीन के बहुलीकरण के समय, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। आगे चलते हम लोग, प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोल्ड एस्टीन ने, किसने, गोल्ड एस्टीन ने। आगे चलते हम लोग, अयस्क से चुंबकीय सुधि को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है, किस विधि द्वारा अयस्क से चुंबकीय सुधि को दूर किया जाता है, आंसर बताइए आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। आगे, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एमाइड में होता है, ठीक है, एमाइड। आगे चलते हैं हम लोग, खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस मुख्यतः है, मुख्यतः बताइए आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस। आगे चलते हैं हम लोग, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु का नाम बताइए, सबसे भारी धातु, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्मियम होता है, ठीक है, ऑस्मियम, क्या होगा ऑस्मियम हो जाएगा, ऑस्मियम। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, आंसर हो जाएगा इसका 7 होता है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच जो होता है 7 होता है। आगे चलते हैं हम लोग,
खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? फ्रेंड्स, जो एलपीजी में जो गैस सिलेंडर होता है फ्रेंड्स, उसमें कुछ मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वो गंध दे। तो क्या मिलाया जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका? मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है, मरकैप्टन। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिसटाइपिंग हो गया, इसको याद रखिएगा, मरकैप्टन मिलाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका शीशा का, ठीक है, शीशा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में क्या होता है बताइए? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, याद रखिएगा। आगे तो फ्रेंड्स, यही वो टॉप प्रश्न था फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। फ्रेंड्स, जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें सभी प्रश्न भी होंगे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो का हम लोग समाप्त करते हैं।